चल रहे केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने थाना प्रभारी को अंतिम प्रतिवेदन पेश किया है। कोर्ट ने थाना प्रभारी से कहा है कि जल्द ही अंतिम प्रतिवेदन पेश किया जाए। बता दें, चिटफंड कंपनी में ज्ञानदास ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, मगर जब मैच्योरिटी का समय आया तो कंपनी इससे पहले ही भाग गई। इसकी शिकायत अंबिकापुर थाने में की गई थी। मामले में 20 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई के पहले अंतिम प्रतिवेदन पेश कर दिया और आदेश दिया है। मैं अनमोल इंदा परिवार में जमा किया था। मेरे को जानकारी दिया गया था कि इतना प्लान दिखा कि जितना जमा करोगे तो इतना मिलेगा। तो कितना आपने जमा किया था? लगभग 50,000। अच्छा, कितना देने की बात कही गई थी? कितने सालों में? कितना? 5.5 साल में 2 गुना बताया गया था। करते करते 2 साल किया और लगभग 200 लोगों को जमा करवाया, लगभग 15 लाख रुपये। उसके बाद 2015 में कंपनी बंद हो गई। अब कंपनी बंद होने के बाद जैसे ही समय लोगों का कंप्लीट हुआ, लोग दबाव डालने लगे, परेशान करने लगे और हम लोग का स्थिति ऐसा हो गया कि हम लोग आत्महत्या करने की नौबत में आ गए। इसके बाद हम लोग कलेक्टर एसपी के साहब के पास गए। इसके बाद फिर दोबारा हम लोग कोर्ट के शरण में गए। निरीक्षकों के संरक्षण अधिनियम 2005 इसमें कंपनी के धारक, कर्ता धर्ता, कोर समिति के संचालक, स्टार प्रचारक के खिलाफ संबंधित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर निम्न अपराध पंजीबद्ध कर अन्वेषण के जांच के लिए माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया है कि अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। और अब खबर जबलपुर।